Welcome students, today in this particular video presentation we are going to discuss about a very common phenomenon which we observe day in and day out, which is known as the evaporation. Now what is evaporation? We will define evaporation. What are the factors on which the rate of evaporation depends, and how in our daily life we apply or we use this phenomenon of evaporation. So let's get started. Right, so first we are going to discuss and define and know about evaporation. The change of a liquid into vapor, that means from liquid to vapor there is change of the physical state at any temperature below its boiling point. So this is very important. So there is one process which is known as evaporation and there is another process which is known as the boiling. Okay, boiling or vaporization. Now when there is change in state from liquid to vapor at any point below the boiling point, so below its boiling point, agar wo boiling point se kam mein liquid se vapor mein change ho raha hai tab hum usko kehte hain evaporation, nahi to usko kehte hain vaporization. Right, aur vaporization always occurs at the boiling point. Jaise water ka boiling point hai 100 degree, so we have to heat water aur jab wo boiling point mein boil hone lagega tab वो लिक्विड से अगर वेपर में चेंज हो रहा है तो उसको वेपराइजेशन कहेंगे, हम उसको इवेपोरेशन नहीं कहेंगे. इवेपोरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट अ टेंपरेचर व्हिच इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. तो अगर 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम में वाटर अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है देन दिस इज नोन एज इवेपोरेशन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट एट एनी टेंपरेचर व्हिच इज बिलो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट is called evaporation. Now evaporation is a surface phenomenon. ये फिर से जाके रखना है. Surface phenomenon मतलब कि evaporation में हमेशा क्या होगा, जो molecules या जो particles हैं liquid के जो surface में present हैं, वो ही change करेंगे अपनी state from liquid to vapor. क्यों होता है? वो अभी हम बात करने वाले हैं. Now you can see that this is the surface of this liquid. तो liquid पे जो particles हैं, जैसे ये लिक्विड पे पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस पे हैं. अब ये सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं इनको क्या एडवांटेज है? इनको एडवांटेज है दैट दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है. अब इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है दैट दे कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. वो सराउंडिंग से, विंड से, सनलाइट है तो सनलाइट से, आसपास के एंबिएंट से वो क्या कर सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इन पर्टिकुलर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बाकी जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है उस लिक्विड के जो नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है, उनसे इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है. नाउ व्हेन दे कीप ऑन गेनिंग काइनेटिक एनर्जी अ स्टेज कम्स, एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन देयर काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. नाउ दिस इज द टाइम when they get free, वो independent हो जाते हैं and they change state from liquid to vapor. और वो जब kinetic energy इतनी ज़्यादा हो जाएगी that it overcomes the force of attraction, then they become free, they get independent and they change from liquid to vapor state. और वो क्या हो जाते हैं? Evaporate हो जाते हैं. अब क्या होगा? उसकी first layer evaporate हो गई तो अब जो नीचे वाले particles थे अब वो ऊपर आ जाएंगे, तो धीरे-धीरे करके वो भी gain करेंगे. So, इस तरीके से ये इवेपोरेशन का फिनोमेनन चलता है. राइट, सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, दैट मींस ओनली दोस पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विल बी अफेक्टेड बाय दिस फिनोमेनन, दे विल ओनली अंडरगो दिस फिनोमेनन. सिर्फ वही इस फिनोमेनन से अफेक्टेड होते हैं या वही वेपर में चेंज होते हैं. राइट, सो पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस दे गेन एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. यही एडवांटेज है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के सराउंडिंग के. जो नीचे हैं वो दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट एंड देयरफॉर देयर काइनेटिक एनर्जी रिमेंस सेम. उसको उनकी काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होगी? जब हम उनको बॉइल करेंगे या डायरेक्टली हम हीट करेंगे. राइट, नाउ द पार्टिकल्स व्हिच आर ऑन द सरफेस दे गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नीचे वाले पार्टिकल्स के और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा जब इनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी देन दे विल चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. सो दिस इज वंस अगेन वेरी
we can say this is a scientific process. So अगर आप इसका reason समझ जाते हैं, then it is well and good. Okay? So the force of attraction between the particles at the top surface and the particles are below it, if the energy is more, then there is evaporation. So जब evaporation हो जाएगा, so let us go further. So I hope that you would have understood this, right? So evaporation, now how does evaporation occur? Once again we will just have a recap. Kya kaun kaun se step hai, step wise. First step is, of course, what is the first step? So let me just take it. Okay, so first step is molecule in a liquid are constant random motion. So humne padha tha that characteristic of states of matter mein humne padha tha that the particles of matter are in constant motion. So liquid mein bhi wo constant motion mein rahenge, aapko maloom hai. Lekin ye jo particles hain, once the more energetic molecules have sufficient energy to overcome the attractive forces due to other molecules and escape from the surface into the atmosphere. अब क्या है जो surface पे है, तो यही surface पे. अब जो surface पे molecules हैं या जो particles हैं liquid के, उनके पास एक advantage है. What is the advantage? The advantage is that they are in direct contact with the surrounding. वो environment के direct contact में हैं. तो इसके कारण क्या होता है? वो आसपास से heat, wind से, air से, light जो आसपास है, जो room temperature है, उससे क्या करते हैं? वो heat absorb करते हैं, energy absorb करते हैं. और जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. लेकिन ये एडवांटेज जो अंदर है पार्टिकल्स, उनको ये एडवांटेज नहीं है, बिकॉज़ दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, राइट. सो ऑल दोस पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड व्हिच आर एट द सरफेस, दे गेन एनर्जी, दे अब्सॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन देयर काइनेटिक एनर्जी इज इन अ पोजीशन टू ओवरकम द attractive forces of other particles, then they change state from the liquid to vapor, right? So less energetic molecule jo niche ki taraf hai are left behind. The average kinetic energy of the molecules, ab inki high kinetic energy thi, ab ye kya ho gaye, they escaped, they evaporated, wo unhone apni change kar di state. To ab jo baki bache hain un sab ki kinetic energy kya low. Therefore there is a cooling effect, जिसकी वजह से total kinetic energy अब क्या हो गई कि low हो गई, right? So the less energetic molecules are left behind, the average kinetic energy of the molecules decreases and therefore the temperature decreases. अब हम एक बात करेंगे that evaporation results in cooling. जब भी evaporation होता है तो उससे क्या होती है, एक ठंडक महसूस होती है. Evaporation causes cooling effect. जैसे कूलर में होता है या मटकी के अंदर होता है, या आप क्या कर सकते हो, एसीटोन लगा सकते हो अपने हाथ में और आप देखोगे कि वो इमीडिएटली एक मिनट के अंदर अंदर वो इवोपरेट हो जाता है और आपने जहां पे एसीटोन लगाया था वहां पे आपको ठंडक महसूस होगी. सो इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग. अब वो कूलिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है वो आसपास से हीट एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, और वो हीट एनर्जी लेने के बाद ये एनर्जी लेके वो क्या हो गए, दे चेंज द स्टेट. अब वो स्टेट जो है वो ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट है, तो इन्होंने आसपास की एनर्जी ली और अपनी स्टेट चेंज कर ली. तो आसपास में क्या हो जाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी या आसपास की एनर्जी कम हो गई, हीट एनर्जी कम होगी. इसका मतलब क्या हो गया, जब हीट एनर्जी कम होती है तो कूलिंग इफेक्ट होगा. सो इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, और यही हम कूलर, डेजर्ट कूलर जो हम गर्मी में यूज करते हैं उसमें मटकी में पानी क्यों ठंडा होता है, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, स्वेटिंग से हमारे को ठंडक क्यों होती है, ये सारे थिंग ऑल आर बेसिकली दे आर ऑल रिलेटेड टू दिस फिनोमिनन ऑफ इवोपरेशन. वो सारी चीजें जो है वो इवोपरेशन के कारण होती है. कुछ चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं कि वो इवोपरेशन को किस तरीके से करता है, राइट. सो व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट्स, जब भी एक लिक्विड इवोपरेट होता है तो क्या होता है, the particles of the liquid absorb heat energy from the surrounding. तो अब ये देखो पार्टिकल्स है जो यहाँ के क्या कहते हैं, सर्फेस के पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या की आसपास से एनर्जी अब्सॉर्ब की. जब एनर्जी अब्सॉर्ब की और उनकी एनर्जी इतनी एनर्जी हो गई कि वो आस जो आप उनके पास उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज्यादा हो गई, देन दे बिकेम इंडिपेंडेंट. वो क्या हो गए, वेपर में चेंज हो गए. नाउ दिस इज इवेपोरेशन, राइट. अब ये जो भी मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, जो भी पार्टिकल्स बचे, इनकी काइनेटिक एनर्जी इनसे काफी कम है और इसीलिए कूलिंग इफेक्ट है, राइट. तो क्या अब असल में अगर मैं देखूं कि स्टेप वाइज अगर हम देखें कि इवेपोरेशन कैसा है, तो सबसे पहले सरफेस मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब हीट.
जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसपास से सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है। नाउ व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज इन सच अ लेवल दैट इट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर उससे ज्यादा हो गई, सो when the kinetic energy overcomes the force of attraction between the particles, then what happens, this is the stage when these surface molecules, surface particles, they escape into gas or they become vapor. समझ में आ गया, अब वो वेपर में चले गए और उनमें हाई एनर्जी थी, तो अब जो भी लिक्विड बचा है उसमें जो भी पार्टिकल्स है their kinetic energy is below average. Right, so it decreases the kinetic energy of the remaining molecules and therefore it causes cooling, जिसकी वजह से cooling होती है, right? तो इस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं that evaporation is a process in which a liquid changes into vapor at any temperature which is below its boiling point. समझ में आ गया? और ये surface phenomenon है, पहले जो surface पे है वो evaporate हो गए, फिर नीचे वाली layer surface पे आ गई, फिर क्या होगी ये एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी, फिर इनमें जब एनर्जी क्या हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो ये इवोपरेट हो जाएगी, ऐसे कर करके क्या होगा धीरे धीरे ये लिक्विड कम हो जाएगा। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, अभी समर सर आपने क्या किया, एक थाली ली और थाली में पानी भर दिया, ठीक है, जितनी उसकी क्या थी डेप्थ थी थाली की, समझ लो 1 इंच है समझ लो, ठीक है। अब आपने वो छत पे रख दिया, समझ लो आपने सुबह 9 बजे रखा और शाम को आज 5 बजे आप 5 बजे जाके देखोगे तो लगभग आपको थाली क्या मिलेगी, सूखी मिलेगी, अभी समर्स के कारण, तो सारा पानी कहाँ गया, सारा पानी इवोपरेट हो गया, है ना, हम हिंदी में बोलते हैं ना उड़ गया पानी, इवोपरेट हो गया। अब इवोपरेट कैसे हुआ, क्या हमने उसको 100 डिग्री तक बॉइल किया था, नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कितना है आपको मालूम है, अभी टेम्परेचर है लगभग 40 के आसपास, तो 40 डिग्री और कहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री, तो हमने बॉइल नहीं किया ना, इतनी हीट है कि बॉइल हो रहा है, तो फिर ये पानी कैसे उड़ा, तो इवोपरेशन की वजह से उड़ा। जो भी सरफेस पे पार्टिकल थे वाटर के, उन्होंने क्या किया, आसपास से एनर्जी ली और वो इवोपरेट हो गए, फिर जो नीचे वाले पार्टिकल थे अब वो सरफेस बन गए, उन्होंने लिया इस तरीके से, ऐसे कर करके वो पूरा पानी इवोपरेट हो, समझ में आया। सो दिस इज अ कॉमन फिनोमेनन, ठीक है, राइट। सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर step-wise explanation of the process of evaporation and how the evaporative process causes cooling, ये आपको समझ में आ गया होगा, right? So let us go further and discuss what are the factors on which this depends. So there are 4 major factors, 4 major factors हैं जिस पे rate of evaporation, evaporation कम हो रहा है या evaporation बहुत जल्दी हो रहा है, तो इवोपरेशन की जो रेट है, जो स्पीड हुई बोल सकते हैं हम इन क्रूड लैंग्वेज, वो 4 major factors पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर है, फर्स्ट इज टेम्परेचर, अगर गर्मी ज्यादा है तो इवोपरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आसपास हीट एनर्जी ज्यादा है तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत जल्दी से क्या करेगी, इट विल बी एट अ हायर लेवल, वो इस लेवल पे आ जाएगी दैट इट विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे विल चेंज देयर स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, राइट। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद टेंपरेचर, एज इंक्रीज इन टेंपरेचर प्रोवाइड्स हायर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, हायर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगी टू द मॉलिक्यूल्स एंड दस मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and to change the state to vapor, jaldi jaldi evaporation ho, to is tarike se if there is increase in temperature it will lead to faster evaporation or the rate of evaporation will be much higher, right। to aap dekh sakte hain ki yahan pe hum kya kar rahe hain, isko heat energy de rahe hain, light de rahe hain aur light bahut fast hai jiski wajah se heat ho rahi, heat ki wajah se yahan pe dekho the process of evaporation is faster, अगर समझ लो ये 40 डिग्री है और ये समझ लो 20 डिग्री है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे काफी कम होगा और यहाँ पे काफी ज्यादा होगा, किस लिए होगा, क्योंकि आसपास की हीट एनर्जी से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं पार्टिकल्स हैं दे विल क्विकली गेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दे विल चेंज देयर स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। सो आई थिंक दिस इज सिंपल, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, सो लेट अस गो फर्दर। तो फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज
Right. So first is temperature. So with increase in temperature, the rate of evaporation increases. With decrease in temperature, the rate of evaporation will decrease proportionally. Second is surface area. Surface area, और ये भी बहुत common है आपने पूरे अपने life में, हम देखते हैं रोज रोज क्या होता है, सुबह उठे जल्दी तैयार हुए और समझ लो आपकी स्कूल वैन आने वाली है और आपकी मदर ने बोला नहीं नहीं ये दूध पी के जाना है, अब दूध गर्म है क्योंकि उसको अभी बॉयल किया, अब इमीडिएटली उसको या बहुत जल्दी ठंडा करना है तो क्या होगा, अगर उसको एक कप में दिया या गिलास में तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन अगर हमने उसको एक प्लेट में डाल दिया तो क्या है, वो जल्दी ठंडा होता है ना। आपने देखा होगा चाय भी क्या होती है, जब गर्म होती है तो बहुत लोग उसको प्लेट में डालते हैं फिर फूंक मारते हैं और फिर पीते हैं, कॉमन है हमारे घरों में, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम उसको प्लेट में डालते हैं तो प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा कि जो लिक्विड है वो उसके अंदर जो एनर्जी है वो डिसिपेट होगी आसपास, आसपास जो हीट है समझ लो आसपास क्या है, थोड़ी ठंडक है और वो लिक्विड गर्म है तो उसकी हीट क्या होगी आसपास डिसिपेट होगी, रेडिएट होगी और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी होगी। तो सेम रिवर्स भी है, अगर हम क्या करें सरफेस एरिया बढ़ा दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं वो भी बढ़ जाएंगे और ये सारे जो पार्टिकल्स हैं दे आर नाउ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, नाउ दे ऑल्सो हैव द एडवांटेज टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी और एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा, व्हाई, वंस अगेन बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दी सराउंडिंग आर मोर, बिल्कुल सिंपल राइट। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एज मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ज्यादा पार्टिकल्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में सराउंडिंग के तो ज्यादा पार्टिकल्स हीट को गेन करेंगे, हीट को गेन करेंगे तो ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे और अपनी स्टेट को चेंज करेंगे, सिंपल। अब देखो इसका सरफेस एरिया इतना है तो इसमें से इवेपोरेशन का रेट समझ लो ये दो एरो मार्क है, अब अगर मैंने यही चीज मैंने क्या कर दी नीचे फैला दी एक कॉमन सरफेस पे, अब इसका देखो सरफेस एरिया कितना ज्यादा हो गया, इसीलिए इसका क्या होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा काफी इससे ज्यादा होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा, राइट। तो फिर से वही वाला हम लोग एग्जांपल ले, आप ये खुद करके देख सकते हो, एक थाली लो उसमें पानी भर दो और एक गिलास लो और उसमें पानी भर दो और दोनों आप ऊपर छत पे रख दो और आप 2 बजे सुबह 9 बजे रखा है तो 2 बजे जाके देखो, आप देखोगे कि थाली में लगभग एक्सपेक्टेड है कि लगभग वो सूख जाएगी लेकिन जो ग्लास है वो अभी भी आपको आधी मिलेगी, क्यों, क्योंकि ग्लास और सेम अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए क्योंकि ग्लास में जो सरफेस एरिया वो काफी कम है और थाली का सरफेस एरिया कंपेयर टू दी ग्लास काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ, रोज आपके साथ होता भी होगा, तो क्या होता है हम लोग जब कपड़े सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं उसको फैला के सुखाते हैं, है ना, फैला के सुखाते हैं। अब कभी आप क्या करो फैला के मत सुखाओ उसको, बिल्कुल कंडेंस उसको क्या करो बिल्कुल हम बोलते हैं ना उसको सांवट के और फोल्ड करके एकदम, है ना, छोटा सा वॉल्यूम छोटा सा करके, तो आप देखोगे कि 2 घंटे बाद जो कपड़े आपने एकदम फैला के सुखाए हैं वो तो आधे घंटे बाद ही सूख जाते हैं लेकिन जो क्या है कपड़ा फोल्डेड है वो अभी भी नहीं सूखा, फिर से किस लिए, सरफेस एरिया, क्योंकि जब हम सुखाते हैं फैला के तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है और अगर हम उसको क्या करें उसका वॉल्यूम कम कर दें उसको छोटा सा कर दें फोल्ड कर दें और फिर सुखाएं तो सरफेस एरिया जो एक्सपोज पार्ट है उसका बहुत कम हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। सो दीज आर कॉमन थिंग्स, ये सब आपको मालूम है, बस साइंटिफिकली हमारे को इसको समझना है। सो सरफेस एरिया इज द सेकंड, सो हायर द सरफेस एरिया, लार्जर द सरफेस एरिया, हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन और जितना कम होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी कम होगी। थर्ड ह्यूमिडिटी, नाउ व्हाट इज ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर वेपर का कंटेंट है एयर का या सराउंडिंग का, ठीक है। अब क्या होगा, आपने देखा होगा कि जनरली जो मानसून सीजन आता है, मानसून सीजन में क्या होती है एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उस समय आप देखोगे कि कपड़े इजीली नहीं सूखते, ठीक है ना, आप देखोगे कि कूलर कूलिंग नहीं कर रहा, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो एयर होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इट हैज
अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी। हर जो हवा हवा जो है एयर है उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को कैरी करने की वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर पहले से उसके अंदर वाटर वेपर ज्यादा है तो वो और ज्यादा वाटर वेपर को कैरी नहीं कर सकती, तो जिसके कारण क्या होता है रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाता है, राइट। तो हम यही बात कर रहे हैं, सो ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एयर ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन एवेपोरेशन। अब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। और अगर ह्यूमिडिटी कम है, एयर बिल्कुल ड्राई है, जैसे अप्रैल मई जून तब क्या होती है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर में क्या होता है, मानसून होता है, उस समय क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आप देखोगे आपका पसीना नहीं सूखेगा, चिपचिपापन हो जाएगा, आप कहीं कपड़े सुखाओगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, कूलर में ठंडक नहीं होगी। तो ये किसके कारण हो रहा है, क्योंकि जो एयर है वो मानसून वाली एयर है जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन कम, क्योंकि एयर में एक फाइनाइट कैपेसिटी है वाटर वेपर को कैरी करने की। अब क्योंकि उसके अंदर पहले से ज्यादा वाटर वेपर है इसलिए वो और ज्यादा वाटर वेपर को कैरी नहीं कर सकती और इसीलिए रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। सेम थिंग है, द लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम है देन द और ड्राई है एयर, जितनी ड्राई है सूखी है जितनी वाटर वेपर कम है, हायर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसका उलट है, रिवर्स है, अगर ह्यूमिड एयर है बहुत ज्यादा वाटर वेपर कंटेंट है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ही कम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, वेरी सिंपल, ठीक है। सो लेट अस गो टू द फोर्थ वन, दैट इज द विंड स्पीड। हवा जितनी देर में, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग रोज ये देखते हैं, हवा यहाँ पे तेज चल रही है कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, हवा बिल्कुल कम है तो कपड़े लेट सूखेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हवा तेज चल रही है तो जो हवा आ रही है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यहाँ से लेके जा रही है इवेपोरेशन से। अब वो हवा आगे चल रही है तो जो अब दूसरी हवा आने वाली है, जो पीछे से हवा आ रही है वो और वाटर वेपर लेके जाएगी। सो इससे क्या हो रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे हवा की स्पीड कम है, विंड वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है, राइट। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस विद द विंड वेलोसिटी और एयर वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी के साथ बढ़ती है, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीजेस द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर दे मूव अवे विद द विंड, वो विंड के साथ मूव कर रहे हैं, एंड दस डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द सराउंडिंग। और जितने ह्यूमिडिटी कम होगी, जितना वाटर वेपर कंटेंट सराउंडिंग में कम होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, राइट। तो जितनी तेज हवा चल रही है उतनी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पंखा चल रहा है इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, यहाँ पे पंखा नहीं चल रहा इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है। सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप इजीली इसको साइंटिफिकली नाउ यू कैन एलाबोरेट, यू कैन इवन एक्सप्लेन। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में इवेपोरेशन के क्या क्या यूसेज है, हम किस किस प्रोसेस में यूज करते हैं। तो देखो, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब एक लिक्विड इवेपोरेट होता है तो क्या करता है, वो कूलिंग सेंसेशन होता है ना, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट, सो द सराउंडिंग्स बिकम कोल्ड, क्योंकि उसकी हीट एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली और एब्जॉर्ब करके चले गए, समझ में आ गया, तो सराउंडिंग ठंडी होगी, दैट मींस इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। अभी कूलिंग इफेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं, एग्जांपल पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड ड्यूरिंग, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब द हीट एंड मेक्स द हॉट सरफेस कूल। तो आपने देखा होगा शाम को जब आप जाओगे 4-5 बजे तो लोग क्या करते हैं, पानी अपने घर के सामने छिड़कते हैं, या अगर जो छत पे सोते हैं वो छत पे छिड़कते हैं, तो क्या होगा वो जो छत गर्म है जैसे ही पानी जाएगा तो पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट को और इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो हीट है उस सरफेस की वो कम हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा सरफेस, जिससे वो रात को या दिन को जब भी वो यूज करेंगे उस सरफेस को वो गर्म नहीं लगेगा, इट विल बी कंफर्टेबल एट अ गुड टेम्परेचर, ठंडा होगा, ठीक है। सो ये है, और ये राजस्थान में तो हम लोग यूज करते हैं, आपने देखा होगा। नाउ ड्यूरिंग समर्स वी स्वेट मोर, है ना, अभी भी जैसे मुझे ठंडी लग रही है, ठंडी तो यहाँ पे जैसे एसी है तो इसके वजह से, नहीं तो क्या होगा पसीना आता है, और स्वेटिंग के कारण क्या होता है, इवेपोरेशन,
आसपास की जो हीट है उसके कारण स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग जब होती है तो फिर वो इवोपरेट होती है स्वेटिंग, और जब वो इवोपरेट होती है तो हमको क्या लगता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर से मेंटेन होता है। तो स्वेटिंग अगर नहीं हो तो लू लगने के ज्यादा चांसेस है, स्वेटिंग अगर होती रहती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन रहता है? इवोपरेशन से, बिकॉज इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, राइट। तो सेम वही बोल रहा है, सो ड्यूरिंग समर वी स्वेट, पसीना आता है हमारे को मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन दी स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम दी बॉडी मेकिंग दी बॉडी कूल। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का ये जरिया है। तो स्वेटिंग अगर एक मॉडरेट फॉर्म में हो तो अच्छी बात है, राइट। नाउ इन दी समर्स वी ऑलवेज प्रीफर टू वियर कॉटन क्लोथ, है ना। आज भी मैंने जैसे कॉटन का क्लोथ पहना है, क्यों? क्योंकि कॉटन की क्लोथ पोरस होते हैं, दे आर मोर एब्जॉर्बेंट। जैसे ही पसीना आया वो क्या करते हैं, पसीने को एक ज्यादा सरफेस एरिया पे क्या करते हैं उसको फैला देते हैं, जिसकी वजह से इवोपरेशन जल्दी होता है और हमारे को कूलिंग इफेक्ट होता है। दूसरा कि कॉटन के जो क्लोथ होते हैं वो पोरस होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर जा सकती है, एक्सचेंज ऑफ हीट हो सकता है। जबकि अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, वो उनके अंदर दे आर नॉट पोरस, जिसकी वजह से क्या होगा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा समर्स के अंदर, राइट। सो वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर कीप्स अस कूल बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब्स स्वेट एंड व्हेन द स्वेट इवोपरेट्स इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग अस फील कूल, हमारे को ठंडा रहता है। So these are some applications. अब ये वाला क्या है आपको समझ में आ गया होगा, कूलर, हमारा डेजर्ट कूलर। तो कूलर में क्या होता है, आपने देखा होगा एक पैड होता है ना, अब वो हनी पैड है, हनी कॉम पैड, या फिर वो घास का बना हुआ रहता है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे पंप है। अब ये यहाँ पे जो कूलर की क्या है टंकी है जहाँ पे वाटर हम लोग स्टोर करते हैं, तो यहाँ से इसने पंप ने वाटर लिया और कहाँ पे इस पैड को ढीला कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज द फैन, ये फैन। अब ये फैन जब चलता है तो ये क्या करेगा, वाटर को सॉरी एयर को क्या करेगा, सक करता है। अब ये जो एयर है वो क्या, ड्राई एयर है, गर्म हवा, गर्म हवा, क्योंकि गर्मी में तो गर्म हवा ही होगी और डेजर्ट में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये गर्म हवा को सक कर रहा है। ये जैसे ही यहाँ पे आता है, लेकिन ये हवा किसके थ्रू आएगी, इस पैड के थ्रू आएगी, और ये पैड में क्या है, वाटर, तो इट विल बिकम मॉइस्ट। ये क्या होगी, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी और वो क्या होगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा। वाटर इवोपरेट होगा देन इट विल गिव अ कूल फीलिंग, ये क्या करेगा, इट विल गिव अ कोल्ड इफेक्ट और कूल इफेक्ट, और जिसकी वजह से हवा ठंडी हो जाएगी और यहाँ से जो गर्म हवा, लाल में दिख रहा है ना ये गर्म हवा, और यहाँ पे देख सकते हो आप ये ठंडी होगी। सो व्हाई दिस एयर हैज बिकम कूल, बिकॉज ऑफ द इवोपरेटिव कूलिंग। सो हाउ कूलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवोपरेटिव कूलिंग, गर्म हवा से ये वाटर इवोपरेट होता है, इवोपरेट होने की वजह से जो गर्मी है हवा की, वो पानी के मॉलिक्यूल्स जब इवोपरेट हो रहे हैं तो उन्होंने वो गर्मी ले ली और वो इवोपरेट हो गया, इसलिए एयर क्या हो गई, ठंडी हो गई, और वो ठंडी एयर हमारे को कूलर से मिलती है, इसलिए हम कूलर को यूज करते हैं। सो आई होप दैट इवोपरेशन डेफिनेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन, व्हाई इवोपरेशन टेक्स प्लेस, फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स, एंड द एप्लीकेशंस ऑफ इवोपरेशन, these all are now clear to you. Thank you very much.